हेलो स्टूडेंट्स, आज आम डिस्कशन करूँ कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट जोटा कि आम सीपेट बोली करके जानते 2022 रो कॉमर्स सब्जेक्ट रो एम तार जो मैंने सेट को आम आज डिस्कशन करवा क्वेश्चन सेट को आउे देखा तुम क्वेश्चन रो लेवल कौन अच्छी सहित तार सल्यूशन डिस्कसन करवा आ जो क्वेश्चन रो किसी डिस्कसन भी मध्य करवा ओके ओवरऑल किसी भी तो नॉलेज रेपर आमको जब कह सेट को देखी सारी आ देखला या जज कली तुम 2020 रे आरंभ होता 2020 रे जो क्वेश्चन सेट थी आ 2021 रे जो क्वेश्चन सेट थी ता 2022 रे बहुत सहज अच्छी ओके 2022 सेटा टिकेट मैंने सहज अच्छी जो द्वारा कि लास्ट इयर पिला भल होता प्राय पिलांकर आ 2021 रे लेवल टिके जस्ट कि मॉडरेट आड़ भी जाइथिला मींस जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन रो जो स्टैंडर्ड्स थिला सेटा टिके माने भल माने डिफिकल्ट बोली तो कही परिबानी फिर भी जा भीले टिके कहिया गले तुमरो 2022 को कंपेयर करले तो से दि वर्षर झाले टिके टॉप थिला बोली हमें कही परिबा ओके तो आमे प्रिपरेशन करूचंदि वर्तमान कोन 2023 पई आ 23 तुम्हें जब जॉइन कर ऑनलाइन क्लासेस इंटरेस्टेड थी जॉइन करने तो जॉइन करने तुम मोबाइल नंबर अच्छे 9776188019 ए नंबर में कांटेक्ट कर आमर जो पीजीटी क्लासेस चली जो पीजीटी तुम एथर फास्ट कौन है ना सीपेट जो टेस्ट हम जो पीजी एंट्रेंस आए तुम एथर एस एस बी कंडक्ट कर आगुरी कौन थी सांस कंडक्ट करूला एथर एस एस बी कंडक्ट कर एस एस बी जो कंडक्ट करें हुए तो किसी सी चेंज भी करती पैटर्न रे मीन जो क्वेश्चन लेवल ये भितर कि फिर भी जपर्यंत नोटिफिकेशन ही आम किसी कही पार्वानी सी कौन प्रोसेस फॉलो करेंगे कितु जहाँ एथर तुम किसी ना कि तो चेंज हम पूरा जहाँ थी दीदी से किसी प्रॉब्लम ना तो आम वेट कर नोटिफिकेशन को एस एस बी ही नोटिफाई कर तुम हूँ कौन पीजी एंट्रेंस आम क्वेश्चन लेवल कौन अच्छे देखा टू टी आम डिस्कसन करवा तुम फीस अच्छी कौन ना जॉइन करने फीस रहा के तुम हूँ 700 पर मंथ रके 700 पर मंथ रुम हाथ तो दुई मस भली आदि तुम्हें पढ़व भी मो पाखे दुई मस तुम भी लेवल नलेज भी बढ़ीज ता सहित तुमको पर यूजीस नेट भी हेल्प करा आ तुम्हें पीजी पढ़ु पढ़ु भी यूजीस नेट दे पार ओके यूजीस नेट जेरपा तुम्हें प्रिपेरेसन भी कर पीजी पढ़ु पढ़ु तो तेणुक तुम्हें इंटरेस्टेड जी थी तेल जॉइन कर जॉइन करने नंबर तो कहीदेली आ फीस विषय भी कहीदेली आ संध्या 9टा बेले आम क्लासेस रोचे आदि बेसी पिला पीजी एंट्रान्स आम गोटे एक्सट्रा ग्रुप भी करदे जो पीजी टी पिला पढ़ुंट लेक्चरशिप पिला पढ़ुं तुम्हें बर्तमान से ही ग्रुप्रे पढ़ जदि अधिक पिला आम सी तुम्हें गोटे स्पेसीफिक ग्रुप बनईद ओके ऑनलाइन क्लासेस हम गूगल मीट्रे और टीचमेंट्रे तो देखा क्वेश्चन लेवल कौन अच्छी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी रे मैक्सिमम नंबर आमर के 200 ओके तो मैक्सिमम नंबर 200 मिनिमम के टू मिनिमम टू से भाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी रे तुम हूँ कौन ना हूँ पब्लिक लिमिटेड कंपनी रे तुम मिनिमम तो 7 रे मैक्सिमम हूँ अनलिमिटेड अनलिमिटेड ओके से भाई तुम पार्टनरशिप बिजनेस रे कौन हम ना जनरल पार्टनरशिप 1932 आक्ट अनुसार से 2 मैक्सिमम हूँ के तुम ना हूँ 50 आउ एलएलपी होते कौन हम ना एलएलपी होते तुम हूँ मैक्सीम जो मिनिमम 2 मैक्स दुईटा डेजिग्नेटेड पार्टनर रे मैक्सिमम हूँ तुम कौन रे ना हूँ अनलिमिटेड एलएलपी रे ओके से भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी रे मिनिमम तो हूँ तुम आटलिस्ट 10 मेम्बर रे मैक्सिमम से भाई अनलिमिटेड से रे ओके ये है तुम कौन कोऑपरेटिव सोसाइटी से भाई तुम आउट अच्छे कौन वन पर्सन कंपनी जोटा ओपीसी बोली आम जानते ओपीसी रे तो जड़े मेम्बर रके बस एति तो ये है तुम क्या विषय ना हूँ कंपनी विषय प्राइवेट कंपनी रे मैक्सिमम मेंबर होते 200 तो कंपनी नेशनलिटी आम केमी जाना इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस को बेस करके जो कंट्री रे तुम जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो तो से कंट्री ही कौन ना रजिस्टर्ड ऑफिस जो कंट्री रे थी तो से कंट्री रे से कंट्री मैंने कंपनी कौन हो रजिस्टर्ड हो तो नेशनलिटी से मैंने तार से रजिस्टर्ड ऑफिस को बेस करके जानती तो ये हम तो कौन हम इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस
देन ए कंपनी फॉर्म एंड स्पेशल आक्ट, स्पेशल आक्ट माने तुमरो पार्लियामेंट रे से आक्ट पास हेतिबो, तुमरो पार्लियामेंट स्ट्रक्चर एभली लोकसभा रहितिबो, राज्यसभा थिबो, देन होची लोअर हाउस अपर हाउस, देन होची तुमरो प्रेसिडेंट। ना माने किछि लॉ जदि गुटे कंपनी एस्टैब्लिशमेंट करिया पई गवर्नमेंट जदि एभली किछि प्रोसेस फॉलो करिके लॉ पास करिके एस्टैब्लिशमेंट करूची ताको आमे एमिति तो कहि दियोंदी कोन सेटा गुटे कॉर्पोरेशन और एमिति आमे कहउछोंदी कोन स्टैट्यूटरी कंपनी। ओके, जमिति आरबीआई हेला, एसबीआई हेला, ये सब रही पारिबो ता अंडर रे। देन ह्विच आउ गोटे थिला जो चार्टर्ड कंपनी, ये होची चार्टर्ड कंपनी होची तुमर कौथरे ना जो किंग और जो तुमर क्वीन, तो जमिति आमर होची ईस्ट इंडिया कंपनी थिले थिला। ओके, तो चार्टर्ड कंपनी। देन होची तुमर प्राइवेट कंपनी, तो तुम जानिथिबो कंपनी एक्ट रे रजिस्टर्ड थिबो, ना गवर्नमेंट कंपनी भी तुमर कंपनी एक्ट रे प्रायत रजिस्टर्ड। ओके, किछि किछि भी तुमर से स्पेशल एक्ट रे जोटा आसुची ताकु भी आमे गवर्नमेंट कंपनी बोली कहउचंती। स्टैट्यूटरी कंपनी भी तुमर से गुटे एमिति देखिया गले से भी तो से गवर्नमेंट कंपनी बोली ताकु आमे ट्रीट करि परबा, किंतु गवर्नमेंट कंपनी एमिति भी पारिबो 51% शेयर जदि के स्टेट गवर्नमेंट किंबा सेंट्रल गवर्नमेंट जदि हेल्ड करचंती किंबा मिसि करि हेल्ड करचंती को गुटे कंपनी रो, ताले सेटा भी हेइ पारिबो तुमर कोन गवर्नमेंट कंपनी। ओके, देन तुमर हुई न्यू टाइप ऑफ कंपनी और कंपनी इज इंट्रोड्यूस इन द कंपनी एक्ट 2013। न्यू टाइप कहले आम वन पर्सन कंपनी कनसेप्ट गोटे आसाला 2013 रे, आसोसिएट कंपनी बोली तुम 2013 रे कंपनी आक्ट रे मेनसन अच्छी। स्मॉल कंपनी ये गोटे कनसेप्ट भी थिला, स्मॉल कंपनीटा पार्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी। ओके, एमती स्मॉल कंपनी गुड़ा सब प्राइवेट कंपनी। आसोसिएट कंपनी मैंने कौन कहल, जमी आम गोटे पढ़ी थे ना होल्डिंग कंपनी, आउ गए थी सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी माने कौन, जो मन कर ए गोटे कंपनी से बी कंपनी रे शेयर को कौन कर ची ना, मैंने तार वोटिंग पावर माने तार जो बोर्ड रे, तो 51% रु शेयर कौन थी ना हेल्ड करें कहते कौन होल्डिंग मैंने सब्सिडरी कंपनी। तो से ही भाई यदि गोटे कंपनी धरनीय एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड ये कौन कर ना हूँ एबीसी लिमिटेड र 20% आटलिस्ट 20% मिनिमम्टा 20% शेयर जब हेल्ड कर 50% रु कम ताकि कौन कौली कहते ना हूँ आसोसिएट कंपनी। ओके, 20% रु 50% भितर जब शेयर हेल्ड कर जो कंपनी हेल्ड कर कंपनी को आम कौन कौन आसोसिएट कंपनी। तापर इंडियन कंट्राक्ट आक्ट 1872 द टर्म क्विड प्रो क्यो ये हूँ कौन, या माने हूँ समथिंग इन रिटर्न, जोटा कि आम जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कंट्राक्ट रे तुम्हें गोटे कंसीडरेशन कॉन्सेप्ट थिला समथिंग इन रिटर्न, ये सहित लिंक करुच्चे तेणुक ये कौन हम सी हम आंसर। देन नेक्स्ट थिला अकॉर्डिंग टू द सेल्स ऑफ गुड्स आक्ट, तेल ये गुड्स को जो डिफाइन कराई भितर कौन कौन थी ना मोवेबल प्रॉपर्टी ग्रोइंग क्रॉप्स, ये तुम सेल ऑफ गुड्स एक्ट रे मेंशन अच्छे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट रे जो 1930 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तादेर तुम डिफाइन है गुड्स, गुड्स को जो डिफाइन कराई भितर मोवेबल प्रॉपर्टी आउ ग्रोइंग क्रॉप्स को कनसीडर कराई तेणुक ये आई एव सेकेंड आई हम आंसर। ए फाइंडर ऑफ गुड्स अंडर द ऑब्लिगेशन टू रिस्टोर द गुड्स, माने मो जिनस हजि जाइए तुम्हें पाइच आ तुम्हें मो जिन प्रॉपर केयर नब नहीं कि मत तुम रिटर्न कर। ओके, ये हूँ तुम रेस्पनसबिलिटी। ओके, तुम ओब्लिगेसन यहाँ ये आ बदल में तुम्हें हूँ तो मो कतर किसी डिमाण कर पार, मैंने तुम्हें जो जिनस केयर नहींच तुम्हें किसी खर्च कर लास्टर तुम मोदी रिकवरी कर, किंतु यहाँ कौ मैंने कंट्राक्ट सहित लिंक करुच्छे जो स्पेशल कंट्राक्ट थी तुम कंट्राक्ट ऑफ बेलमेंट ये सहित लिंक करुच्चे। ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये तो ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो पार, ऑब्जेक्टिव इमती मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट हो पार, मैक्सिमाइजेशन शेयर होल्डर तो वेल्थ भी हो पार, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रो जो मेन ऑब्जेक्टिव, तो मेन ऑब्जेक्टिव लिखिया कथा ये, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रो जो मेन ऑब्जेक्टिव कोर ऑब्जेक्टिव तो सेटा होची कोन मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। ओके, कहीं ना कहीं ता भितर एटा इनक्लूड हो जाए कौन मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट, तो ये हम तुम कौन मैक्सिमाइजेशन शेयर होल्डर वेल्थ, ये भी तो गोटे गोटे ऑब्जेक्टिव बोली आम कही पार। ओके, कहीं ना कहीं एमर जिनस हूँ कौन जो गोटे ऑर्गेनाइजेशन रो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो फाइनेंस मैनेजर तार बेसिक फंक्शन भी तो मैंने तर ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट रो कौन थिला तुम शेयर होल्डर वेल्थ को मैक्सिमाइज करवा, देन है तुम मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ये भी तो रहिबो, तेणुक ये आंसर सी हम बेस्ट आंसर सी। ओके, ह्विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर गोटे कौटा फंक्शन नुहे, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स जोटा हूँ फंड्स रेज जो इक्विटी शेयर इश्यू करते डिबेंचर प्रिफरेन्स जोटा इश्यू जमी करके प्रोक्योर करते फंड्स, देन ताको कौन करुले आलोकेट करुले, आलोकेट मैंने कौ कौ जगह इनवेस्टमेंट करुले कौन करुले, तो सीटा आलोकेशन,
ये हूँ तुम्हारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बोली कहींपर एमती कहींपर प्रोक्योरमेंट फंड हूँ तुम्हारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रहीपर आ मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न ये हूँ तुम ये भी तो कहीं ना कहीं था भितर फाइनेंशियल मैनेजर फंक्शन भितर रु मैन्युवर ये हूँ द शेयर प्राइसेस ये रहा ओके तो ये कौन हम ए बी सी हम तीन टा हम कि डी रही तो नट लिखी तो डी हम आंसर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रूपी रिसीवेबल आफ्टर वन ईयर बर्तमान तुम मैंने आम जी कौन कौन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रूपी रिसीवेबल आफ्टर वन ईयर प्रेजेंट वैल्यू बर्तमान जो रूपी आफ्टर वन पर रिसीव करूँ तेल देख मु मन कर तुमको आज टाटा दे तुम्हें कह मत गोटे वर्ष पर टाटे रिटर्न करें यहाँ हूँ कौन हम आज टाटा जो जो नेक्स्ट इयर टाँह ठार कौन हम बड़ हम ये कहे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए रूपी रिसीवेबल आफ्टर वन ईयर इज लेस देन हम लेस देन वन रूपी लेस देन वन रूपी प्रेजेंट वैल्यू जो वन रुपीर से रिसीवेबल आफ्टर वन ईयर एटा कौन हम लेस देन हम बी हम आंसर ओके फिर भी एक टे देखार अच्छे भलसे तो टेन द मिनिमम अमाउंट कॉल्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर इश्यू ऑफ शेयर इज डैश ऑफ द वैल्यू तो यहाँ हूँ तुम कंपनीज एक्ट जो 2013 मेनसन होते 5% ओके किंतु सेबी रेगुलेशन अनुसार यहाँ हूँ तुम कौन हम तुम हम 25% किंतु एटी आंसर कौन हम कि जेहेतु कही ना आम कौन बुझा एटा कंपनी आक्ट को बेस करके तेणुक ये 5% हम आंसर ओके किंतु सेबी रेगुलेशन लिखी थे तो यहाँ 25% होता ह्विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म इनसाइडर ट्रेडिंग तुम्हें पढ़ी थो हर्षद मेहता जो फिल्म रे यदि देखी थो इनसाइडर ट्रेडिंग आम कंपनी रो किसी जो शेयर कौन आम इश्यू करवा कौन ये यदि मैंने लिक कर इनफर्मेसन को ओके तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग जहाँ कौ कनसेप्ट सहित लिंक करुच्चे तुम हूँ शेयर मार्केट सहित ओके देन ह्विच मेथड अफ भैल्युएसन अफ सेयार इज बेस्ड अन् क्वेश्चन दैट आन इक्विटी शेयर होल्डर विल रिसीव इफ द कंपनी गोज इट इन लिक्विडेशन ये हूँ तुम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रो पड़ी जोटा कहते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड ओके तो ये हूँ तुम हम कौन बी हम ये आंसर देन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ वन रुपी इन्वेस्टेड टुडे तो ये कनसेप्ट ये उपरे जमी जाइला ना प्रेजेंट वैल्यू तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ वन रुपी इन्वेस्टेड टुडे आज आम इन्वेस्टमेंट कर तार फ्यूचर वैल्यूटा कौन हम इन्वेस्टमेंट करते इन्फ्लेशन रेट अनुसार है तुम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से आड हम तो यहाँ इक्वाल ही आसीज मत लगुच आंसर ये सी हम ओके फिर भी यू टे दुटा क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 14 को टी तो आनालीसीस कर ओके तो जहाँ भी हेल्ले मो हिसाब से आंसर सी तुम मैं कौन अच्छे तुम्हें कमेंट बॉक्स रे मेंशन कर व्हिच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फंड्स तो मोस्ट एक्सपेंसिव तो देखा गले तुम न्यू इक्विटी शेयर हम आम पढ़ी ओके न्यू इक्विटी शेयर मैंने जो फ्लोटेशन कॉस्टटा एथे अधिक थाए जो इक्विटी शेयर आम जो इश्यू करते ओके तो ये हूँ कौन हम ए हम आंसर देन क्वेश्चन नंबर 16 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री सिंस ओके 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 ये कौन कह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग एट द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री सेंट्रल बैंक हिसाब से जो फंक्शन कर तो ये हूँ तुम सेंट्रल बैंक हिसाब से तुम हूँ केबे टू फंक्शन कर फर्स्ट अप्रैल 1935 ओके फर्स्ट अप्रैल किंतु फास्टली कौन होता ना तुम से प्राइवेटली मैंने सेंट्रलाइज बोली आम धरूल कि नेशनलाइजेशन होता 1949 रे किंतु तुम जो फंक्शन कर फास्ट अप्रैल 1935 ओके तो ये डी हम आंसर ह्विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटेटिव टेक्निक ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ऑफ आरबीआई क्वालिटेटिव आउ थिला क्वांटिटेटिव तो क्वालिटेटिव हेले आम एटी का बुझछन ओपन मार्केट नॉट लिखिछ ना तो ओपन मार्केट ऑपरेशन हो बैठे आंसर ओके ओपन मार्केट ऑपरेशन टा उठे क्वांटिटेटिव तो ओपन मार्केट ऑपरेशन रे कोन होले ना तर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोन करबो आरबीआई इशू करे तो ये ता सहित लिंक करूनी तो ये हूँ तुम कौन हम क्वालिटेटिव मोरल सेशन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रेशियोनिंग क्रेडिट तो क्वालिटेटिव यहाँ हूँ क्वांटिटेटिव जमी सीएरआर है एसएलआर है यू क्वांटिटेटिव ओके किंतु ये ओपन मार्केट ऑपरेशन टा हूँ तुम ये भी गोटे क्वांटिटेटिव तेणुक ये मागे हूँ कौटे कौटे क्वालिटेटिव तो ये हम कौन आंसर बी हम आंसर ओके ह्विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक एक्सचेंज हैज द इंडेक्स नेम्ड सेंसेस तो सेंसेस इंडेक्स हूँ तुम बीएससी रो बीएससी रे केतेटा कंपनी रो एटे नौ से 30टा ओके तो ये हूँ कौन हम बीएससी सेंसेस बोली आम कहींपर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो ना एनएससी रो कौन है ना एनएससी रो हूँ निफ्टी 50 जोटा कहते आम ओके तो ये बी हम आंसर
देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इट मैच करने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम तुम मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जोटा तुम एफडब्ल्यू टेलर देते देन है मार्जिन सेफ्टी। मार्जिन सेफ्टी हूँ तुम सेल्स माइनस ब्रेकइवन सेल्स तुम बजेटेड सेल्स माइनस ब्रेकइवन सेल्स देन है रेशियो एनालिसिस तुम फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ प्लानिंग देन तुम जेआईटी हूँ इन्वेंटरी कंट्रोल तेणुक ये आंसर फास्टा तो होगा आई भी हूँ तेल फास्टा आई भी गोटे अच्छे पुणी ए हम आंसर। ओके आइडेंटिफाई द आइडियल लिक्विड एंड और एसिड टेस्ट रेशियो अमंग द फॉलोइंग तो 1:1 रहा। ओके लिक्विड एसिड टेस्ट रेशियो जो और लिक्विड रेशियो। ओके द डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड कैन बी आइडेंटिफाइड विथ डायरेक्ट कॉस्ट हूँ तुम ईच यूनिट यूनिट ऑफ आउटपुट एग्रीगेट ऑफ ऑल डायरेक्ट एटा प्राइम कॉस्ट एटा कॉस्ट अकाउंटिंग दुटा जाक क्वेश्चन पड़ी कैपिटल इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड एटा फंडामेंटल अकाउंटिंग पड़ी एटा एंटिटी कॉन्सेप्ट सहित लिंक कर। ओके सेपरेट एंटिटी ओनरशिप एंड तुम हूँ कौन बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन एटा डिफरेंट मैंने दुटा जाक सेपरेट तो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट हूँ एटा तुम गोटे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनाल अकाउंट और आम कह कौन पर्सनाल अकाउंट। ओके देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन टैंजिबल एसेट्स टैंजिबल एसेट सॉरी कहते इंटैंजिबल एसेट्स इंटैंजिबल एसेट है अमोर्टाइजेशन अमोर्टाइजेशन डिप्लेशन है वेस्टिंग एसेट देन डेप्रिसिएशन तुम टैंजिबल फिक्स्ड एसेट लाइक बिल्डिंग मशीनरी सब देन रिवैल्युएशन भी तुम हो कौन हुए एसेट को आम कौन करते लास्ट में रिवैल्युएशन करते जिते वैल्यू मैंने कमी थी से आम कौन कौन ना डेप्रिसिएशन से ट्रीट करते रिवैल्युएशन नुहे ये हम अमोर्टाइजेशन इंटैंजिबल एसेट्स। ओके डिस्काउंट ऑन क्विक पेमेंट क्विक पेमेंट कले आमको जो डिस्काउंट मिले सेटा आमे कोन कोन कैश डिस्काउंट जोटा रिसीप्ट। ओके कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शन गोटेटा देन है डैश इज ए प्रोग्रेसिव टैक्स मैंने जितने तुम इनकम बढ़ो तुमको टैक्स बढ़ो तुम से बढ़ी बढ़िया जाऊ मीनस अधिक टैक्स तुम पर लगू चार्ज हो तेणुकर यहाँ इनकम टैक्स आम इंडिया आम नर्माली फलो कर प्रोग्रेसिव नेचर आम टैक्सेस देन है तो इनकम टैक्स डैश सर्टिफिकेट इज दैट एटा हूँ तुम जो टीडीएस जो पड़ी कौन इनडायरेक्ट टैक्स रु कहते टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स तो ये थिला कौन इन द इनकम टैक्स आक्ट डैश सर्टिफिकेट इज दैट एन एम्प्लॉयर गिफ्ट टू हिज एम्प्लॉय फॉर्म 16 एटा। ओके देन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ इंडियन इनकम टैक्स आक्ट 1961 हाउ मेनी हेड्स तो पांचटा हेड्स थिला ना तुम तो इनकम टैक्स जानी थी पांचटा हेड्स थिला सेतिरे। ओके फाइवटा हेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आक्ट ये होता तुम पास होता के 1 July 2017। ओके जीएसटी प्रतिवर्ष क्वेश्चन गोटे दुटा पड़ू देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहाँ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जे कस्टमर जे कंज्यूमर लास्ट फाइनाल यूजर से ही सब रेस्पन्सीबल हम मैंने से सब टैक्सटा से ही तो बर्डनटा नौचे ना तापर कोरम ऑफ जीएसटी काउनसिल परसेंटेज ना शुड बी 50% तो आंसर ये कौन हम बोथ 1 and 2 तो चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउनसिल फाइनेंस मिनिस्टर। ओके देन है ए प्रेजेंट क्वालिफाइड सॉरी ए पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए कंपनी ऑडिटर ए पर्सन क्वालिफाइड फॉर ए अपॉइंटमेंट ऑफ ए कंपनी ऑडिटर हूँ तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट होती है और सीए प्रैक्टिस करू थो तो ये हूँ तुम आंसर ये कौन हम डी हम आंसर। ओके टेस्ट चेकिंग रेफर्स टू टेस्ट चेकिंग कहले आम कौन करते इंटेनसीव किसी जिनस को आम कौन कर चेक करूँ तो इंटेनसीव चेकिंग ऑफ ए सिलेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन तो सी हम आंसर। देन है द फ्रेमवर्क फॉर एस्टाब्लिशिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड द अकाउंटेबिलिटी वाज ओरिजिनली सेटअप बाय द एटा हूँ तुम कैडबीर कमिटी। ओके गूगल रे सर्च करनी गूगल रे सर्च कले बहुत सारे आंसर एपट सेपट कर देखा तो पूरा बेसिक जिन पढ़ले ही तुम जापर जिन गुड़ाक ना जापर तो कैडबीर कमिटी। ओके नेक्स्ट एफडब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट कम्स अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थियोरीज तो यहाँ क्लासिकल थियोरी हम। ओके देन नेक्स्ट हम तो कौन द मॉडर्न मैनेजमेंट द टर्म मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आज फास्ट आउटलाइन बाय 1954 ऑन इज बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट ये तो आम चिन्ही से लोक तो सी हूँ पीटर एफ ड्रकर तो ये हूँ तुम कौन हम डी हम आंसर। देन हु अप्लाइड द वर्ड एंटरप्रेन्योर टू द बिजनेस फॉर द फास्ट टाइम ये हम तुम कौन हम ना 38 आंसर कौन हम तुम बी हम। ओके रिचर्ड कैंटिलियन ओके
देन नेक्स्ट हूँ यूपीआई यूपीआई मुझे डायरेक्ट कहीदेगी यहाँ हूँ एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक भी डिटेल्स सब पढ़िया अच्छी हाई ग्रेड इन्वेस्टमेंट बॉन्ड ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ हूँ क्या विषय गवर्नमेंट सिक्युरिटीज क्या कहले तो तुम्हें बुझे कौन गिल्ट एज्ड सिक्युरिटीज जो गवर्नमेंट सिक्युरिटीज ओके हुई द फलोइंग इज द फ्यूचर ऑफ फ्री इकोनॉमी माने क्या विषय कहा हूँ तो फ्री इकोनॉमी माने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या कहा हूँ द प्राइसेस आर डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई तो ये सी हम आंसर हुई ऑफ द फलोइंग इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स तो फैक्टर प्राइसिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स रे देखुले ना जो फैक्टर कॉस्ट लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज तो यहाँ हूँ फैक्टर प्राइसिंग विषय कहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स देन हुई ऑफ द फलोइंग द ट्रू अकॉर्डिंग टू लियोनेल चार्ल्स रॉबिन्स जो आमर लियोनेल रॉबिन्स जो डेफिनेशन देते इकोनॉमिक्स रे स्कार्सिटी को बेस कर मीन्स आर स्कार्स ओके तो ये आंसर कौन हम बी हम देन व्हिच ऑफ द इकोनॉमी टू कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर मेक फ्री चॉइस बेस्ड ऑन मार्केट प्रोसेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड तो ये एटी जिनस हूँ तुम कहीं ना कहीं तो आम बुझुंट कौन ये ओपन इकोनॉमी भी हो पार जो फ्री इकोनॉमी ओके तुम ओपन इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी कौन कि आंसर मो हिसाब से हम कौन कह मार्केट इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी कॉन्सेप्ट भी से मैंने बुझाऊँ कौन कह तुम डिमांड एंड सप्लाई को बुझाऊँ ये भी से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सहित आंसर मो हिसाब से आंसर ये कौन हम ए हम तो 44 आंसर ये कौन कौन मु ए ओके तो द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विथ आलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस ये भी तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स हम आलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस ये भी तुम से माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट सहित मैच करुँच व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विथ परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर बिहेवियर इकोनॉमी एंटायर कम्युनिटी ता माने माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एटा ओके माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंटायर इकोनॉमी माने तुम टोटालटा कथा कहा हूँ तो माइक्रो कॉन्सेप्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस जनरली डिनोट ए नेशनल इनकम तो एनएनपीएफसी देखो पिले ये जो अच्छी तुम 47 क्वेश्चन ना हमको तुमको पुराड़ा सब जानवर अच्छे जीडीपी कौन जानवर अच्छे जीएनपी कौन जानवर अच्छे देन हो जीडीपी जो जीडीपी एपटे कौन रोचे मुझे कह जीएनपी ए दुटार डी आउ एन ये ग्रस ग्रस तो किसी प्रोब्लम ना पी पी रुए तो तुम डिफरेन्स कौन हो पाए मार्केट प्राइस हेक्टर कॉस्ट को लेकिन हो पाए कि डोमेस्टिक आउ ये नेशनल हम तो दुटा भितर तुम एनएफआई एडजस्टमेंट होके नेट फैक्टर इनकम फ्रम अब्रॉड मैंने आम डोमेस्टिक मैंने कौन मुझे एमती तुमको खाली फंडामेंटाली कह जिनस मन कर गोटे कंट्री धरनी गोटे सर्कलटा मुझे फिर भी आम धरिया ये इंडिया धरनी बुझापी तो इंडिया जी है इंडिया बाउंड्री भितर जो भी इनकम मैंने जो भी गुड्स सर्विस प्रड्यूस होती गोटे पर्टिकुलर इयर आम कौन बोली कहते ना आम जीडीपी रे काउंट को नौकर ओके नौ तो यहाँ डोमेस्टिकटा ओके मैंने जितने जीडीपी बोली बुझुं तो केवल कंट्रीर टेरिटोरी भितर जोटा होवश्य तुम जो कौन तुम इकोनोमिक मैंने जियोग्राफिकल टेरिटोरी तुम समुद्र में कि नटिकाल के माइल पर्यटन भी जाऊँ 15-16 माइल पर्यंत ओके किंतु जहाँ भी तो सेटा कंट्री रो बाउंड्री भितर इंडिया मीन इंडियान हूँ कि बाहर देश के लोक हूँ जे भी से इनवल्वमेंट थे सेटा कंसीडर कर डोमेस्टिक इनकम रे किंतु नेशनल इनकम जो आम सॉरी जीएनपी जो बाहर करें कहते नेशनल बोली तो से बुझुं कौन ना आमर केवल इंडियान मान इनकम से इंडिया भितर करूँ कि बाहर करूँ सेटा को आम से इनकम टाक मैंने जो भी गुड्स सर्विस जहाँ भी हेल्प प्रड्यूस होती कनसीडर करूँ भितर तो ये आंसर तो ये डी हो किंतु ये कन्सेप्ट को भलसे बुझार अच्छी पुणी मार्केट प्राइस कौन फैक्टर कॉस्ट कौन पुणी हूँ तुम कौन ये ग्रॉस अच्छी जो डेप्रिसिएशन डिडक्ट हम ओके भलसे आम बुझा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू डिस्क्राइब द सिचुएशन टू मच मनी चेंजिंग टू फ्यू गुड्स दैट डिमांड पुल इन्फ्लेशन विषय कहा टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स ताने जो इनफ्लेसन हो तो सिचुएसन फेस करते ना ओके ए गोल्डी लक्स इकोनोमी कहले आम कौन सब जिन परफेक्टली चल थ प्राय लो इनफ्लेसन स्टेडी इकोनोमी ग्रोथ तो आंसर 49 रे आंसर कौन हम सी हम ओके इन एन इकोनोमी व्हिच अमंग द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड बाय द कैलकुलेटिंग कंसेंट्रेशन रेशियो तो यहाँ कंपिटिशन क्या कहा 50 रनसर हो कौन हम ये बी हम दे नेक्स्ट द इंडियन इकोनॉमी हाज बीन प्रोजेक्टेड ग्रो यहाँ पुराणा क्वेश्चनटा
तो एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक तुमर होची सेतले जो 2022 रे तुमर सेतले जजमेंट नै माने से जो कहिथले कोनो ना जो बैंक जो स्टेटमेंट दिथले जे इंडियन इकोनॉमी एते परसेंट ग्रोथ करिवो एते परसेंट ग्रोथ करिवो तो बर्त एटा टाइम टू टाइम चेंज होची ओके एटा करंट अफेयर्स रु क्वेश्चन हे परिवो तो एटा एबे भी तुमे जदि नेक्स्ट इयर पई प्रिपरेशन होउचो ताले तुमे एडीबी रो हला आईएमएफ रो हला डब्ल्यूबी रो हला तो ये भली इंस्टीट्यूशन रो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रो हला तुम्हें हूँ कौन कर जो स्टेटमेंट अच्छी को इकोनॉमी आम इंडिया को बेस करके तुम्हें ग्रोथ रेट कौन रही तुम्हें से मन रखिपार हू गेव द कॉल ऑफ एवरग्रीन रिवोल्यूशन ये हूँ ग्रीन एवरग्रीन रिवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन वर्गीस कुरियन तुम व्हाइट रिवोल्यूशन ओके द प्रधानमंत्री संग्रहालय यहाँ गोटे जिके क्वेश्चन अच्छे प्रधानमंत्री संग्रहालय लिंक कर तुम कौन ना हूँ कौन अच्छी ना न्यू दिल्ली में जिते सब प्राइम मिनिस्टर होकर डिटेल्स कौन अच्छे ओके इफ द कैश रिजर्व रेशियो इज लॉयल यदि आरबीआई कौन कर कैश रिजर्व रेशियो को जब कमेदेव तो सीआरआर आज कौन थी आमर एसएलआर ओके दुटा क्वांटिटी मेजरटा तुम सीआरआर आ एसएलआर को जब कौन कर आरबीआई सीआरआर को जब डिक्रीज करदेव तेल बैंक पाखे किसी मनी तो बड़ी पड़ो तो सीटा कौन कर सी मार्केट में लेंडिंग कर लेंडिंग कर मैंने कौन हो मनी क्रिएट कर तो ये जो क्रेडिट क्रिएसन तो क्रेडिट मैंने तो सेटा कौन हम इनक्रीज होके 54 आंसर कौन हम ये होके ह्विच बैंक इज नोन आज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट यहाँ बहुत ही क्वेश्चन टा आरबीआई ओके कारण ये किसी ब्रेन ही यूज हेनी हू इज नोन आज फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स आर ए फिशर तुम्हें पढ़ी थो फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर ये सब ये किसी जिन पढ़ी थो तो ये हूँ आर ए फिशर ओके देन फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन व्हिच एवरेज शुड बी यूज तो यहाँ हूँ क्या विषय जियोमेट्रिक मीन विषय कहा हूँ ओके तो ये बेसिक फंडामेंटल जिनस तुम्हें ह्वाट इज जियोमेट्रिक मीन ह्वाट इज मैंने जियोमेट्रिक मीन कौ जगह यूज हूँ हार्मोनिक मीन कौ जगह यूज हूँ मीन मीडियन आउ सब बेसिक फीचर गुड़ा तुम्हें पढ़ा दरकार तापर तुम आरिथमेटिक मीन 10 ऑब्जर्वेशन हूँ 30 आउ टू आइटम्स देख 10 ऑब्जर्वेशन 30 है तुम से रंग हो रंग टू आइटम हूँ 74 एंड 15 वे रंगली ट्रिटेड आज एतिक ओके ताने दुईटा मैंने ये जो ऑब्जर्वेशन दे 10 ऑब्जर्वेशन एवरेज हूँ 30 टोटल हूँ केत हम सिग्मा एक्स हो 30 × 10 है 300 हो दुटा को मिसेदेले दुटा हूँ तुम करेक्ट डाटा रंगली रिटर्न आज एति एति करेक्ट डाटा को कौन कर करेक्ट डाटा को एड करदे से 300 रे रंग डाटा को कौन कर माइनस करदेव ओके वेल रंगली रिटर्न आज एति एति रंग डाटा को माइनस करदेव तापर जीत बाहर डिवाइडेड बाय 10 करदे तार हूँ कौन कर आंसर बाहर कर 29.1 आस आंसर द मिडिल आइटम ऑफ ए सीरीज मिडिल हेले का कथा कहा हूँ ये 59 र आंसर ये सी हम मीडियन कथा कहा हूँ ह्विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर नॉट बेस्ड ऑन ऑल आइटम ऑफ ए सीरीज मीडियन मोड सब आइटम आवश्यक पड़ू नाला ओके तो ह्विच हू हाज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन किए देते ना तुम हूँ कार्ल पियर्सन ओके देन ह्विच मेजर विल बी द बेस्ट टू रिपोर्ट द टेम्परेचर ऑफ ए सिटी ड्यूरिंग ए समर तो ये रेंज जो आम मिनिमम कौन टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर ये रेंज विषय कहा ओके टू ह्विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन टू इंडिविजुअल रेस्पोंडेंट्स फोकस ग्रुप एंड पैनल्स ऑफ रेस्पोंडेंट्स बिलोंग्स टू यहाँ हूँ प्राइमरी डाटा सोर्स इंडिविजुअल रेस्पोंडेंट्स ये कौ विषय कहा जो प्राइमरी डाटा विषय कहा प्राइमरी डाटा सोर्सेस The term marketing refer to the process which aims at एटा होची का विषय कहा marketing marketing होची the term marketing refers हेले तुम होची कौन हम satisfaction customer needs एटा हाइस्ट रही ना तो satisfaction customer needs who is known as a father of modern marketing Philip Kotler ओके ये तो सहजटा देन नेक्स्ट ह्विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द रिप्रेजेंट 4C 4C कहले कौन बुझुचंती हमें मार्केटिंग मिक्स रे कस्टमर सल्यूशन कॉस्ट कन्वीनियंस कम्युनिकेशन कॉस्ट कन्वीनियंस एंड कम्युनिकेशन ओके देन डैश इज द कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द फर्म एंड द कंज्यूमर फर्म एंड द कंज्यूमर ये क्या विषय कहा कम्युनिकेशन डैश इज द कम्युनिकेशन लिंक दैट इज प्रमोशन ओके
एटा मार्केटिंग रु द पेनेट्रेसन ये भी मार्केटिंग रु पेनेट्रेसन प्राइसिंग के आम चूज करते पेनेट्रेसन मैंने फास्ट रू जो आम न्यू प्रडक्ट छाड़ूँ आम कौन कर प्राइसटा लो रखुँ कारण टाइमली से कौन हम पुणी जितने मार्केट सेयार बढ़ी आम प्रडक्ट को बहुत लोग यूज करेंगे आम पुणी प्राइस बढ़ाईदेव कि फास्ट रू आम लो चूज कर धीरे धीरे आम बढ़ेगा आगे को तो कितु जब फास्ट रू हाई चूज करते हैं कौन होता मैंने से प्रोसेस जब फलो करते हैं स्कीमिंग तो ये हम कौन पेनेट्रेटिंग प्राइसिंग मैंने कौन हम लो प्राइसिंग फास्ट रू कौन हम लो प्राइसिंग ओके फास्ट रू लो जो स्कीमिंग होते हैं फास्ट रू कौन होता हाई ओके तो ये सी हम आंसर द रिटेल सप्लाई चेन डज नॉट इंक्लूड तो यहाँ रेगुलेटर किसी रही रिटेल तुम मैंने जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जोटा कहते प्रोड्यूसर देन है तुम होलसेलर रिटेलर कंज्यूमर ओके तो या भितर रेगुलेटर किसी नाला वैल्यू स्ट्रॉन्गर देन स्टील इज द टैग लाइन ऑफ कौन ना हूँ टाटा स्टील ओके लास्ट रे कोई भी जदि तुम्हें इंटरेस्टेड थिबो ऑनलाइन क्लासेस रे जॉइन करि परिबो थैंक यू।